के साथ जो हादसा हुआ उसके साथ गलत काम होके और उसका कत्ल कर दिया गया, ये बेहद दुखद बात है। मैं अभी आया था परिवार के उसके दोनों माता पिता से मिला। दिल्ली सरकार इस मामले में एक तो परिवार उसकी अपनी बच्ची तो वापस नहीं आ सकती और जो परिवार के साथ अन्याय हुआ है वो बेहद दुखद है, उसकी भरपाई पूरी नहीं की जा सकती। लेकिन दिल्ली सरकार परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी, इसमें हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे और इस केस में दिल्ली सरकार सबसे बड़े बड़ा वकील कोर्ट में लगाएगी ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। दूसरा, अपने दिल्ली में कानून व्यवस्था को ठीक करने की बहुत जरूरत है, कानून व्यवस्था में दुरुस्ती लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि इस बारे में ठोस कदम उठाए जाएं और हम अपनी तरफ से उसमें पूरा सहयोग करेंगे। जो भी केंद्र सरकार हमसे कहेगी हम वो पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन दिल्ली में, दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ अगर इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो ये अच्छा मैसेज नहीं जाता, लोग असुरक्षित भी महसूस करते हैं और पूरी दुनिया के अंदर भी ये मैसेज अच्छा नहीं जाता कि दिल्ली की देश के, भारत की राजधानी के अंदर इस तरह की हरकत हो रही है। तो हमें साथ साथ अपनी कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। सभी दर्शकों से गुजारिश है कि हमारे न्यूज चैनल सूरज की रोशनी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अपने आसपास की सारी खबरें मिलती रहें।